Good morning students, you are welcome in RC Education Hub. Today we are going to start a new topic of class 11th biology. The name of topic is parts of a typical root. कि एक typical root के अंदर एक normal जो root होती है उसके अंदर कौन-कौन से parts होते हैं? Basically जो इसकी structure भी यहाँ पे दी हुई है, जो root होती है उसको पांच parts में divide कर रखा है. This is the structure. जिसके अंदर जो सबसे lowermost part होता है that is known as root cap. रूट कैप जो है सबसे नीचे टिप के ऊपर पाई जाती है, रूट टिप के ऊपर. इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप और एपेक्स. इसका मेन फंक्शन होता है जो भी रूट का लोअर मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज रूट टिप, उसको प्रोटेक्ट करके रखना. व्हाई? बिकॉज जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. जब भी रूट पेनिट्रेट करती है अंदर तो रूट के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज हो सकता है. रूट जो है डैमेज होने की वजह से ग्रोथ भी नहीं कर सकती है. तो इन दैट केस द रूट कैप प्रोटेक्ट टू द रूट टिप, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है. और इसके जस्ट अबव जो पोर्शन पाया जाता है दैट इज नोन एज रूट टिप. रूट टिप जो है ये सॉइल को पेनिट्रेट करती रहती है. पेनिट्रेट एक्चुअली वाटर की सर्च के अंदर ये पेनिट्रेट करती रहती है. जहाँ पे पानी होता है पानी के लिए ऑटोमेटिकली मिट्टी के अंदर रन करती रहती है. दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रूट. इसके बाद अपन थर्ड पार्ट की बात करते हैं दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन. मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो नेचर के अंदर मेरिस्टेमेटिक होती हैं. मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली डिविजन्स करना, रैपिडली डिवाइड करती रहती हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है. प्लांट के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं बेसिकली उनको दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज द परमानेंट टिश्यू एंड नंबर सेकेंड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके अंदर जो भी सेल्स पाई जाती हैं वो नेचर के अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं. वो कभी भी अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट नहीं करती हैं. तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो भी सेल्स पाई जा रही हैं वो सारी की सारी सेल्स जो हैं कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और डिवाइड करने की वजह से जो है रूट कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है. इसे अपन जो है डिवाइडिंग जोन भी बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन को. इसके जस्ट अबाव, इसके जस्ट ऊपर जो भी जोन पाया जा रहा है दैट जोन इज इलोंगेशन जोन. इसके अंदर क्या होता है कि जो भी नई सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर फॉर्म हो रही है अब वो धीरे धीरे इलोंगेट होने लग जाती है, साइज के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ने लग जाती है. अब वो साइज के अंदर किस तरीके से बढ़ती है, एक्चुअली होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो साइज के अंदर छोटी होती है. लेकिन जैसे ये सेल्स इलोंगेशन जोन के अंदर जाती है इनके अंदर वैक्यूल्स जो हैं साइज के अंदर कंटिन्यूसली बड़ी होती जाती है. इनके अंदर वाटर या फिर अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं. डिपॉजिट होने की वजह से जैसे जैसे वैक्यूल्स एनलार्ज हो रही हैं, एनलार्ज होने की वजह से सेल्स धीरे धीरे इलोंगेट हो रही हैं. तो दिस जोन इज नोन एज इलोंगेशन जोन. दिस इज फाउंड जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन. इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ऊपर वाला जो जोन पाया जा रहा है दैट जोन इज नोन एज मैच्यूरेशन जोन. मैच्यूरेशन जोन के अंदर क्या होता है कि जो भी सेल्स इलोंगेशन जोन की इलोंगेट हो गई है, इलोंगेट होने के बाद में अब वो मैच्यूरेशन जोन के अंदर एंट्री कर चुकी है. मैच्यूरेशन जोन के अंदर जो भी सेल्स आ गई हैं वो अब डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं. डिफरेंशिएट इन द सेंस नाउ दीज सेल्स आर कन्वर्टिंग इनटू परमानेंट. अपन ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर सेल्स डिवाइड कर रही हैं और इलोंगेशन जोन के अंदर सेल्स इलोंगेट हो रही हैं, साइज के अंदर बड़ी हो रही हैं क्योंकि वैक्यूल्स एनलार्ज हो रही हैं. इसके अलावा मैच्यूरेशन जोन के अंदर जो है सेल्स डिफरेंशिएट हो रही हैं. डिफरेंशिएट इन द सेंस वो पर्टिकुलरली एक फंक्शन करने लग जाएंगी और वो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देती हैं. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? सेल्स दो आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग इफ दे लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. कोई भी सेल जो है पहले डिवाइड कर रही थी उसके बाद में डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देती है और एक पर्टिकुलरली फंक्शन करने लग जाती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली अपन को किसके अंदर देखने को मिलता है, मैच्यूरेशन जोन के अंदर. मैच्यूरेशन जोन वाली जो सेल है वो परमानेंट किसी फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती है. अब उसके बाद हम बात करते हैं रूट एयर जोन की. रूट एयर जोन के अंदर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैच्यूरेशन जोन. मैच्यूरेशन जोन के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स जो है साइज के अंदर एनलार्ज होने लग जाती हैं, कुछ सेल्स बड़ी होने लग जाती हैं एपिडर्मल जोन के अंदर. या फिर जो इसकी एपिडर्मिस है इसके अंदर ये सेल्स जो है साइज के अंदर बड़ी होकर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर्स. इनको जो है अपन रूट हेयर्स बोलते हैं. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ भी लेते हैं कि रूट हेयर जो है रूट के कौन से पार्ट के अंदर पाए जाते हैं. दीज आर फाउंड इन मैच्यूरेशन जोन. पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कौन से जोन के अंदर होता है,
मैच्योरेशन जोन के अंदर। जैसे तो ये जो रूट हेयर जोन है और मैच्योरेशन जोन दोनों को अपन एक भी बोल सकते हैं। इसके बाद में फिर से रिपीटिंग दीज होल थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ रूट। जो रूट जो है इसको बेसिकली पांच पार्ट में डिवाइड कर रखा है। लोअर मोस्ट पार्ट इज रूट कैप, अबाउ दिस इज मेरिस्टमैटिक जोन, इसके जो ऊपर है वो एलोंगेशन जोन, और इसके ऊपर जो है मैच्योरेशन जोन। और मैच्योरेशन जोन और रूट हेयर जोन को अपन एक भी बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द रूट हेयर्स आर अराइजिंग फ्रॉम मैच्योरेशन जोन। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी था कि मेरिस्टमैटिक जोन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, मेरिस्टमैटिक जोन के अंदर सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रही है, इलोंगेशन जोन के अंदर जो है साइज के अंदर सेल्स लार्ज हो रही है, और मैच्योरेशन जोन के अंदर सेल्स डिफरेंशिएट हो रही हैं। और जो मैच्योरेशन जोन है इसके अंदर जो है यूनिसेलुलर फाइन स्ट्रक्चर्स भी निकल रही हैं। दीज फाइन स्ट्रक्चर्स आर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।